नमस्कार दोस्तों, आज मल्टीप्लेक्सन के कुछ नए ट्रिक लेकर हम आपके पास हाजिर हो चुके हैं। आज तीन डिजिट का गुना करने के लिए बताएंगे जिसका जो है बीच में जीरो होना चाहिए। याद रखिए, यह ट्रिक तब काम करेगा जब बीच में जीरो होना चाहिए और थ्री डिजिट का होना चाहिए, तब जाके यह ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सिंपल सा है, क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितने हो जाएंगे, 9 × 3 = 27, का पूरा कंप्लीट 27 यहाँ पर लिख देने। सबसे पहले आपस में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यह चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि कितने होंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएंगे, और 9 × 2 कितने हो जाएंगे, 18। जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 30। 30 को कंप्लीट रूप से यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद क्या करना, अंतिम स्टेप पे इन दोनों को गुना करके लिख देना। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आपका आंसर आ चुका है ना। काफ़ी आसान सा ट्रिक से, सेम थिंग से आइए क्वेश्चन देखते हैं, आपको और ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। सबसे पहले इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 7 × 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7 × 6 कितने हो जाएंगे, 42। 42 हो जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 42 लिख लेंगे, सबसे पहले 42 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना, इन दोनों को गुना करना, इन दोनों को गुना करना, दोनों को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर देख पर 7 × 5 कितने हो जाएंगे, 35। 7 × 5 = 35 और 8 × 6 कितने हो जाएंगे, 48। दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, दोनों को प्लस, तो 83 हम यहाँ पर क्या करेंगे, 83 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 8 × 5 कितने हो जाएंगे, 40 आपका मल्टीप्लाई तैयार। उसके बाद दोस्तों अगला है, सेम प्रोसेस 8 × 9 में कितने हो जाएंगे, 72, यहाँ पर 72 लिख देंगे। उसके बाद 9 × 9 में 81 और 8 × 7 कितने होंगे, 56। 81 और 56 को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब भी 56 और 81 को जब हम जोड़े तो आया कितना, 137 यहाँ पर आया। जब भी तीन डिजिट का आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही लिखना, यानी कि 37 लिखना, और एक क्या हो जाएगा, अगला के लिए कैरी हम कर देंगे। जब भी 2 से ज़्यादा डिजिट आएंगे तो जितने भी डिजिट आएंगे वो आगे के लिए हम लोग कैरी कर देंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इन दोनों क्वेश्चन में कैरी नहीं आ रहा था जिसके कारण हम आगे नहीं किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कैरी आ रहा था इसीलिए हम कैरी को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। लास्ट स्टेप है इन दोनों को गुना करना। 9 × 7 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 9 × 7 कितने हो जाएंगे, 9 × 7 कितने हो जाएंगे, 63 और 1 कितने हो जाएंगे, 64। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड ट्रिक के साथ। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को जो किस प्रकार से सॉर्ट आउट, किस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, बहुत ही आसानी ट्रिक से हम आपको यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर सिखा दी। आपको यह ट्रिक कैसे लगी नीचे कमेंट लिखकर आप जरूर हमें बताइएगा, और सभी लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर आप हमें बोलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होना चाहिए, 305 और 307 इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग अगर जो लोग ये कमेंट देखें, इस वीडियो को देखें, सीख गए, वे सभी इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रहिए खुश, तब तक रहिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।